नमस्कार दोस्तों, चंद्रा किचन डिशेज में आप सबका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं आलू का कुलचा बनाने। हमारे यहाँ तो आलू की पूरी कहते हैं यूपी में, लेकिन हम कुलचा बनाने जा रहे हैं, वो भी बाजरे के आटे का बना के दिखाऊंगी मैं आप सबको। तो यहाँ देखिए, यहाँ आलू ले रखी है, इसे धो दी हूँ अच्छी तरह से, और ये मटर है इतना, ये करीब लगभग आधा किलो मटर होगा, मटर लिए हूँ। और ये हरे मसाले हैं, इसको भी मैंने धो रखा है। हरी धनिया है, हरा मिर्च है, अदरक है, लहसुन है, थोड़ी सी हल्दी ली हूँ आधी गाट। अब इनको मैं पीस लूँगी, इस हरे मसाले को। और मटर को मैं तल के दिखाती हूँ इसको, और आलू को रख देती हूँ उबलने के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। गैस जला के कढ़ाई रख दिए हैं और तेल गरम हो रहा है। अब इसमें डाल देंगे मटर, थोड़ा सा मटर मैं निकाल ले रही हूँ। इसी समय थोड़ा सा डाल दे रहे हैं, यही कोने पे गिर जाए। देखिए जीरा फूल के अच्छे तरह से हो गया है, मैं जीरा डालना भूल गई थी, इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जगह बना के डाल दी हूँ। ये देखिए हो गया है, इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। थोड़ा सा सिलो करके ढक देंगे, गैस सिलो करके रख देंगे ऐसे ढक के। करीब एक मिनट डेढ़ मिनट के बाद इसे फिर से चला लूँगी अच्छी तरह से, ताकि ये जलने ना पाए। ये देखिए मटर हो गया है, अब इसे निकाल लेंगे। कढ़ाई में रख देंगे अब आलू उबालने के लिए। मैं इसे रख दे रही हूँ। आलू मैंने कुछ ज़्यादा ली हूँ, क्योंकि इसी में मुझे बनाना है सब्जी। देंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे हमारा आलू उबल रहा है, उबल रहे हैं। ये हरी मटर पीसने और ये मसाले जो दिखाएं आपको, ये पीसने जा रही हैं। आलू आधा से ज़्यादा पक गया है, इसी समय मैं थोड़ा सा मटर इसमें डाल दे रही हूँ, ये भी अच्छी तरह से उबल जाए। आलू पक गए हैं, अब गैस को बंद कर देंगे और ठंडा होने के बाद इसे छील देंगे। आलू को छील के और इसी तरह से हाथ से इसे मल देंगे अच्छे तरह से सब आलू को। आलू देखिए गरम है बहुत, और सहते सहते इसको इसी तरह से मल देंगे। ये जो मटर हमने दिखाए थे, इसको जो पीसे थे, उसको भी इसी में डाल देंगे। ये मसाले जो पीसे थे, इसमें हल्दी पीस ली हूँ, मसाले इसमें हैं। इस समय स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिला देंगे, बस यही चीज़ डालना है और कोई चीज़ नहीं डालना है। जब हम हरे मसाले पीसेंगे तो उस समय उसमें पानी बिल्कुल मत डालिएगा। अभी बाजरे का कुलचा बनाने के लिए हमने जो पीठ तैयार किया है वो परफेक्ट बन चुका है। अब इसमें नमक सही पड़ा है कि नहीं, इसके लिए आप चख के देख लीजिए। अगर नमक कम है तो आप डाल दीजिए दोबारा, और अगर सही है
तब कोई बात ही नहीं। ये बाजरे का आटा है, बाजरा बोलो तो काला 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 दाना होता है छोटा छोटा, वो है बाजरी, हमारे यहाँ बाजरी बोलते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छी तरह से गूंथ लेंगे, थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल के गूंथते हैं, एकदम से ज्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। ये देखिए इस तरह से, यही इसे फूलने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये फूल जाए और सब्जी चल रहे हैं सब्जी बनाने। यहाँ पे मैं गैस जला के सरसों का तेल डाल दी हूँ, आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, आई बटन दबा के क्लिक कर दीजिए, ये वीडियो आपको मिल जाएगी। गैस जला दिए हैं, ये है ओवन, गैस जला देंगे। यहाँ तावे को गर्म कर रहे हैं। ये है बाजरे का आटा, ये देखिए फूल गया है एकदम से, फूल के अच्छी तरह से हो गया है, लेकिन ये कड़ा ही है अभी। अब इसे अच्छी तरह से सानेंगे, थोड़ा ही थोड़ा करके सानेंगे, बिल्कुल इतना, ज़्यादा नहीं, हाथ में लगाते हुए सानेंगे, ज़्यादा पानी नहीं लगाएंगे, सिर्फ ऐसे हाथ डुबाएंगे, इस तरह से हाथ डुबा के ऐसे सानेंगे। आटा इसी तरह से साना जाता है। अब देखिए इसको इस तरह से कर देंगे और इसी में हम भरेंगे फिलिंग। अब इसको इस तरह से बचाते हुए खूब अच्छी तरह से ऐसे दबा के, ये देखिए अब इसे हल्के हाथों से धीरे धीरे बिल्कुल, मेरा यह वीडियो जो भी देख रहा होगा, जो गांव से बिलोंग करते होंगे वो देख रहे होंगे, वहाँ उनके घर पे भी ऐसे ही बनता होगा, वो चूल्हे में बनाते हैं। यहाँ मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ चूल्हा मेरे लिए कठिन है, इसलिए मैं गैस पे बना रही हूँ इसको। और देखिए कितने अच्छे से बनके ये तैयार हुआ है। जो पुराने बुजुर्ग होंगे वो लोग गांव में खाए होंगे, उनको तो ज़रूर ही देख के पता चल जाएगा कि मैं क्या बना रही हूँ। ये बाजरे का कुलचा है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब देखिए तवा गरम कर दिए हैं, अब इसमें रख देंगे। अब इसी तरह से मैं दूसरा बना रही हूँ। इस तरह से कर देंगे गड्ढा। अब यहाँ अभी इसी तरह से इसमें भर देंगे। देखिए मैं कितने ज़्यादा फिलिंग भर रही हूँ, यहाँ देख लेते हैं। अभी ये पकड़ रहा है, अभी होने दे रहे हैं अच्छे से, इसे तब तक के लिए रख दे रहे हैं। ये देखिए अब इसे इसे पलट देंगे। अब यहाँ पे इसको फिर से हम भरेंगे अच्छी तरह से। ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी है, लेकिन किसी ढाबे पे किसी बड़े बड़े होटल में भी नहीं मिलती है।
देखिए कितने अच्छे से बने हैं, कहीं फटा है कहीं भी नहीं फटा है बिल्कुल। ये देखिए हो गया है। अब गैस को इसको सिलो कर देंगे और यहाँ पे इस बगल इसी बगल ये पीठ वाले बगल जो बाद में फिर इसी को ऐसे रख देंगे। अब ढक देंगे इसको अच्छी तरह से। इसी तरह से सब बनाएंगे हम। ये देखिए अब इसको गैस को स्लो कर देंगे थोड़ा देर इधर। ये देखिए इस तरफ हो गया जरा सा कि ये देखिए इसको भी रख देंगे। ये देखिए जरा जरा फूल रहा है इस बाजू से। ये देखिए ये अब इसको इस तरफ पलट देंगे और इसे इस तरह। देखिए ये फूल रहा है इसी तरह से अच्छे से हुआ लेंगे। ये हो चला है लगभग। अब इसे थोड़ी देर और पका दे रही हूँ। और ये देखिए ये हो गया है। अब इसे इस बाजू पलट देंगे। अब इसे अच्छी तरह से ढक के रख दे रहे हैं। ये देखिए ये कुलचे फूल रहे हैं, आप देखिए ध्यान से। अब ये हो चुका है अच्छे से। अच्छे से तैयार हो गया है, बस इसे निकाल देंगे। ये एकदम बन के तैयार हो गया है परफेक्ट। देखिए तो किस तरह से कुलचे फूल गए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। बस इसी तरह से फूल जाएंगे। अब ये देखिए एकदम बन के तैयार है। इसे थोड़े देर और रख रही हूँ। आ जाइए दोस्तों, आप सबके लिए मैंने खाना बना के तैयार कर दी हूँ। देखिए ये मैं बाजरे का कुलचा बनाई हूँ, वो बहुत ही टेस्टी है। जो भी गांव से विलोम कर रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे होंगे, शहर में होंगे यदि, तो आप सब तो ज़रूर इसे खाया होगा गांव में अपने माँ के हाथों से। और इसे मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए ये देखिए फूले फूले और कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं। ये आलू और मटर और हरे मसाले के बने हुए कुलचे हैं। एक बार आप ज़रूर बना के खाइएगा। हमारे यहाँ तो इसे कहते हैं बाजरे की पूड़ी और बिना तेल से ये तैयार होता है। इस तरह से आप चूल्हे पे भी बनाइए, गैस पे भी बनाइए। एक बार आप ज़रूर बना के खाइएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको तारीफ़ मिलेगी। ये रेसिपी कहीं होटल पे कहीं ढाबे पे आपको नहीं मिलेगी खाने को। मेरी ये रेसिपी आप सबको पसंद आए तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले रेसिपी में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।